सौभाग्यशील हूँ मैं कि मुझे जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लड़ाकू संघर्षशील नेता का सानिध्य मिला और नीतीश कुमार जैसे ईमानदार नेता का प्रेम मिला। मैं उन लोगों को पर आभार हूँ। इस संघर्षशील नेता को नीतीश कुमार के द्वारा जो यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया और राज्यसभा ये जा रहे हैं, नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। किंग महेंद्र के निधन के बाद बिहार की एक राज्यसभा की सीट पर उपचुनाव हुए थे। ऐसे में आपको बता दें कि जेडीयू के तरफ से अनिल हेगड़े को उम्मीदवार बनाया गया था, जो कि आज निर्विरोध जीत हासिल किए हैं। ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा में उन्हें जीत का सर्टिफिकेट जो है वो मिला है। उनके साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार भी थे। ऐसे में अनिल हेगड़े ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार प्रकट किया है और क्या कुछ कह रहे हैं अनिल हेगड़े के साथ साथ बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार, पहले आप वो सुने। पार्टी का माननीय नेता, पार्टी का नेता माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और पार्टी के संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति मैं आभार हूँ कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को पार्टी की तरफ से उन्होंने उम्मीदवार बनाया और मुझे राज्यसभा मेंबर बनाया। निर्विरोध निर्वाचित भी हो गए आप? जी, निर्विरोध निर्वाचित भी हो गए। लंबा संघर्ष रहा है आपका ये, और मेरा सौभाग्यशील हूँ मैं कि मुझे जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लड़ाकू संघर्षशील नेता का सानिध्य मिला और नीतीश कुमार जैसे ईमानदार नेता का प्रेम मिला। मैं लोगों को पर आभार हूँ। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने इन्हें उम्मीदवार बनाया, इसके लिए कोटि कोटि सिर्फ धन्यवाद नहीं, आभार भी प्रकट करता हूँ कि ऐसे उम्मीदवार को इन्होंने टिकट दिया जिसका संघर्ष से जुड़ा हुआ जीवन है और पार्टी ऑफिस में 12 बरस तक रह करके बिहार के हर पार्टी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और 14 बरस तक कोको कोला के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दिया। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ भी रह करके उन्होंने काम किया। तो इस संघर्षशील नेता को नीतीश कुमार के द्वारा जो यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया और राज्यसभा ये जा रहे हैं, इनका संघर्ष का जो जीवन है, मैं समझता हूँ आगे भी जिस तरह से पहले काम करते थे काम करते रहेंगे। और विधायकों का भी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि सभी माननीय विधायकों ने इनको प्रस्तावक बनकर के इनको जिताने में मदद की और सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं कि ऐसे संघर्ष नेता के चयन में, चुनाव में निर्विरोध जाने देने के लिए जो उन सब लोगों का सहयोग रहा, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। तो आपने साफ तौर पे सुना अनिल हेगड़े का बयान, साथ ही साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का। दोनों लोगों ने आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार प्रकट किया है और साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से पिछले 38 सालों से अनिल हेगड़े पार्टी के लिए समर्पित थे, ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक आम कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजा है। बहरहाल, आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।